But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my आपका स्टॉल कहीं लगा? यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज थी फूड की, और सबसे अच्छी बात ये थी कि सब ट्रेडिशनल फूड था उत्तराखंड का, ऐसा कुछ हो नहीं था कि कोई चाइनीज। बच्चों का उत्साहवर्धन इसी कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है, और जैसा कि आप सभी को पता है, नर्सिंग कॉलेज से हमारे सेक्रेटरी नीरज ने यहाँ पे बहुत ही परले दर्जे से अपना योगदान दिया है, जिस वजह से आज प्रथम भूमिका। लेकिन पहले पायदान पे जो रहा है वो है नर्सिंग भोजनालय। आपके समक्ष एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, हमारी संस्कृति की सौम्यता और अखंडता की एक झलक। सबसे पहले आप सभी को मेरा सुबह का प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मन्नू पांडे और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मन्नू पहाड़ी पे। तो आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज आपको लग रहा होगा ना सुबह सुबह कोट वोट पहन पुन के एकदम कहाँ को चले हैं। तो आज छोटा सा हमारा किसी सेकंड कॉलेज में एक प्रोग्राम रखा हुआ है, स्टूडेंट आ रहे हैं। अब वहाँ पर क्या प्रोग्राम होने वाला है वो तो आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा, तो बने रहना आप ब्लॉग पर। और आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप लोगों ने मुझे काफ़ी अच्छा प्यार दिया और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो आज देख रहे हैं ना, अभी पीछे बहुत फॉग टाइप का लग रहा है, और धूप में और गढ़वाल में ना काफ़ी अभी ठंड स्टार्ट हो गई है। वैसे हल्द्वानी के मुकाबले यहाँ पर अभी ठंड ज़्यादा हो रही है, वहाँ पर नहीं होती, तो हमको थोड़ा सा यहाँ पर ढलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बने रहना ब्लॉग पे, दिखाऊंगा आप लोगों को आज का जो ब्लॉग होने वाला ना इतना बेहतरीन होने वाला कि मुझे लग रहा है मेरा यूट्यूब का वो सबसे पहला ब्लॉग होगा जो मुझे अच्छा लग रहा है अपने आप को भी। तो चलते हैं ब्लॉग पे, बने रहना। खुरदौड़ी का बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ की पूरी लोकेशन। ये रही हम लोग की बस, इसी बस से हम आए थे। तो गाइस ये है बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज का पहला गेट, और प्रोग्राम होने वाला है वो है आज आपका महिला सशक्तिकरण पौड़ी गढ़वाल की तरफ से, और यह है रसायण जो कि यहाँ की कोई संस्कृति होगी तो वो ये करवा रही है। चलो आगे देखते हैं अंदर जाके। तो अभी हम लोग
जा रहे हैं अंदर को, देखते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर लिखा हुआ है महात्मा गांधी प्रेक्षागृह जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी। विकास खंड कोर्ट की प्रमुख श्रीमती
खाने के लिए। हमारे यहाँ शहर में पता है पिज्जा मोमो ये सब मिलते हैं, यहाँ कुछ है नहीं यार खाने के लिए। अरे ओ गढ़वाली भाई जी, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? अभी तो तुमने हमारे गढ़वाल में कदम नहीं रखा है। तुम्हें पता ही क्या हमारे गढ़वाल के बारे में? मैं तुम्हें बताती हूँ कि गढ़वाल में क्या क्या बनता है। अरे यार ये क्या कच्चे चावल खिला दिए मुझे, हजम भी नहीं हो रहा, क्या था ये? ऐसे थोड़ी बोलते हैं, तुम्हें कैसे पता कि वो कच्चे चावल थे? मैं बताती वो क्या थे। चावल होते हैं हमारे पहाड़ों में घर चावल, उनको फूल के हम चूड़ा बनाते हैं। और वो कैसा दिखा रही थी ना, वो हम अपने देवी देवताओं को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं, उनको ऐसे नहीं बोलते हैं। अच्छा अच्छा, मुझे पता नहीं था। पहाड़ों में तो ऐसे सिर्फ पेड़ ये सब ही होते हैं, और है क्या यहाँ देखने के लिए? कुछ भी नहीं है, रोड टूटी हुई है। पहाड़ों में तो यार लैंडस्लाइड आती रहती है, सब चीजें होती रहती है, यहाँ पे कुछ जाने के लिए भी जगह नहीं है, क्या करेंगे बताओ? ए भाई जी, इन लोगों को पेगन के पता, आप इतनी खुद उठाई है मेरा गढ़वाल में, आपको पता क्या है? आपने देखी कभी हरी हरी पहाड़ी में जब बर्फ गिरती है और वो कैसे चांदी की तरह चमकती है? अरे जब हमारे गढ़वाल के लोग खेतों में रोपनी करते हैं कितना खुश होते हैं वो, अपने हंसी खुशी से गीली मिट्टी के साथ खेलते हैं। देखा है तुमने कभी ऐसा? ये तो है, जो खुशी यहाँ है वो कहीं और भी है। आपके भाग्य में तुम्हें क्या होता है? देखते हैं। यहाँ पे हेल्थ सिस्टम भी इतना ठीक नहीं है, वो सब मैनेज कैसे करते हैं? माना कि प्रगति हो रही है पर अभी इतनी भी ज्यादा कुछ है नहीं खास यहाँ पे पहाड़ों में, क्या करें उसका? पढ़ाई नहीं, हमने भी तो पढ़ा है, पांचवी पास तो है ही हम, बीए हमें नहीं, क्या होगा तुम्हारे तरह से क्या होगा? अपना नाम लिखना तो हमें आता है। रही बात हॉस्पिटल की, तो हमारे यहाँ की तो लेडीज इतनी एक्सपर्ट हो गई कि सब कुछ घर पे ही कर लेती है। अब तुम चोट लगाने के लिए क्यों लेने जाते हो? हमारे यहाँ तो गंजे के पत्ते पीस कर उसका जूस डाल देते हैं। बहुत सही कह रहे हो। तुम्हें क्या पता ये सब? सही, बहुत सही है। अब तुम बात कर रहे हो कि तुम्हें गांव छोड़ के जाना है, ऐसे कैसे चाहोगे तुम गांव छोड़ के? कई दिन तो तुम्हें हुए नहीं, अभी गाँव में आए हुए, और तुम बात कर रहे हो गाँव छोड़ के जाने की। ऐसी सब अगर गाँव छोड़ के चले जाएंगे अपनी सुविधाओं के लिए, तो गाँव तो हमारा बांधा पड़ जाएगा, कूड़े हमारे ऐसे टूट जाएंगे, कौन रहेगा उन कूड़ों पे तब? तुमने तो कभी देखा ही नहीं, अब दिखाती मैं गांव छोड़ने के बाद क्या मंजर होता है गांव का। चलो
Border on, the Pacific Island.
एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारी संस्कृति की सौम्यता और अखंडता की एक झलक। Yeah.
हेतु इना देख मिनटे पुनर तक पौष्टिक पकवान बनाया छे। दादी क्या बनाया आज आपने, व्हाइट सॉस पास्ता या रेड सॉस पास्ता या फिर बर्गर? क्या पास्ता पास्ता करना चाहते हो? इकामा देख मिनटे कुनो युकनालिक साग पादक रोटी बनाई ये तक है कंटी ते सर्दी जुखाम नहीं लगल अरे क्या तक पैर पिला पिला कंटे मिनटा दर्दग पथरी ठीक कर यु घार घीच दूच ये तक है दी तिते जोड़ो मा कभी डानी वाल बुरा पता ओ माँ जी जो मेरी सासी के पकड़ मिजरे घास को जाऊं छो हट फंड कौर ही मनुष्य है मिलने दे खड़ी घुपड़ी जन यार दगर भाई उन मिला पन्ना उन्हीं दगर नहीं होने में मैं समझ जाके इतने पन्ना चल दिखान चल और भी देखाबे बनो ताकि वो अम्मी जी की के पन्ने बननी हुई तो देखा आपने किस तरीके से एक माँ अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए अपना सब कुछ नौछावर कर देती है। कबीर बाबा आइका मैं दी जरा मिते हुकम लीजा। हे दादी अभी परेशान मत करो सोहाय रखना ये बुरी लंगड़ गया रे मी कभी सब एक सब आइका माँ। अरे दादी क्या हुआ आपको, ठीक हो? कहीं लगी तो नहीं? हट फंडो म्यार पोता मिते लीजा। यार दादी परेशान मत करो खुद उठ जाओ। मेरे बिछवारा त्यार दगड़ा गुल तक बटी तक पहुंच गई है और तू ये घर में बैठे हो जाए। अरे आपके साथ के भी तो कहां से कहां पहुंच गए। लाओ दादी मैं देखती हूँ पैर से लेकर वहां। हट फंडो जैसे टोड़ा मोड़ा कर नी रेल में पर उन्हीं में कर जन्म लो जाओ। दादी मैं डोर शिपोर्ट के नर्सिंग कॉलेज से रजिस्टर्ड नर्स बन के आई हूँ, आप पैर सीधा करो। देख शर्मा जी तुम नौनी बोल चुकी हूँ। अरे मैडम कहाँ को जा रहे हो, थोड़ा सा यहाँ भी देख लो। अरे अर्ज किया है न चाहत है हजारों की न तमन्ना है नजारों की, बस आपके जैसी एक गर्लफ्रेंड मिल जाए तो मार लगा दो सारों की, मैडम नंबर तो दे दो। अरे दूर रहो मुझसे, तुम एक स्त्री को अबला समझते हो क्या? तुम लड़के हो तो हमें कमजोर समझकर कुछ भी करोगे क्या? रुको अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ। अजी सुनते हो कितना पियोगे, खाना भी खा लो। करम जली एक तो तू हो ऊपर से तेरी तीन बेटियां, एक बेटा नहीं दे सकी तू मुझे। शहरी जिंदगी के लालच में अपना सब कुछ भूल चुके हैं। आजकल हमारा दिन दवाइयों से शुरू होकर दवाइयों पर ही खत्म होता है। अब समय है कि हम अपने गांव के पौष्टिक आहारों एवं तत्वों को अपनाएं। इसके साथ साथ जरूरत है महिलाओं का विकास एवं उनको शिक्षा प्रदान करने की, क्योंकि महिला समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और महिला समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है।
क्या नहीं क्या चल रहा है? प्रेग्नेंट महिलाएं हैं क्या उनको पौधा खिलाते हैं? नहीं खिलाता मेरा वाला कब है? एक मंडवा का भी यार कोदक है देख रहे हैं। काफ़ी भीड़ लगी है हमारे स्टॉल पर, तो मैं अब यहाँ पर लोगों का रिएक्शन पूछूंगा और फीडबैक लूंगा उनसे अपने कॉलेज के बारे, अपने जो हमने लोग हम लोगों ने फास्ट फूड बनाया था तो कैसा बनाया और उन लोगों को पसंद आ रहा कि नहीं आ रहा, तो देखते हैं। अभी सामने में ये भाई साहब मिल गए हमें, तो इनसे हम फीडबैक लेंगे। हाँ जी सर, तो बताइए कि आप लोगों का हमारा मतलब जो भी हमने यहाँ पर पकवान बनाए थे कैसे लगे आपको, कुछ बताएं। मुझे सबसे अच्छा आपका स्टॉल का ही लगा। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज थी फूड की, और सबसे अच्छी बात ये थी कि सब ट्रेडिशनल फूड था उत्तराखंड का। ऐसा कुछ हो नहीं था कि कोई चाइनीज बना रहे हैं या कोई डिफरेंट आप कुजीन आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, सारा गढ़वाली फूड था। और सबसे बेस्ट मेरे को गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जो आपका स्टॉल था सबसे बेस्ट वही लगा। और नीरज मेरा दोस्त है, नीरज के साथ आया था जिसने मुझको रिकमेंड किया था आने को, तो आई थिंक वर्थ इट था यहाँ पे आना, बहुत होलसम एक्सपीरियंस था, सारी परफॉर्मेंसेज वगैरह सब कुछ देखा। तो और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। अभी तो दूसरे ये सर हमारे मिल गए, अब तो आप बताएंगे। देखो ऐसा होता है कि बच्चों का उत्साहवर्धन इसी कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है, और जैसा कि आप सभी को पता है नर्सिंग कॉलेज से हमारे सेक्रेटरी नीरज ने यहाँ पे बहुत ही परले दर्जे से अपना
योगदान दिया है, जिस वजह से आज प्रथम भूमिका पे रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ आने वाले जितने भी प्रतियोगिताएं इस कॉलेज में शिक्षण संस्थान में होंगी, वो सारी की सारी में हमारे गोविंद क्या ही गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के जो सेक्रेटरी हैं, ये बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और अपने कॉलेज को हमेशा प्रथम भूमिका पर रखेंगे। धन्यवाद। तो ये मैम मिल चुके हैं, मैम थोड़ा सा हमारे स्टॉल के बारे में आप फीडबैक देंगे। बहुत टेस्टी था जो भी था, वो स्वाद जो भी कहते हैं उसको, मैं पहली बार खा रही थी, बहुत अच्छा था। धन्यवाद मैम आपका बहुत बहुत। जीबीपीटी मैंने यहाँ इनके जो स्वाले और पकौड़े थे वो ट्राई किए, वो काफी अच्छे थे। मीन्स उसमें एकदम घर वाला जो टेस्ट था, जो मतलब मेरी मम्मी के हाथ के बनाए हुए होते थे, वो एकदम वैसा ही टेस्ट था, मतलब मुझे कोई डिफरेंट नहीं लगा, तो काफी अच्छा था। और इनका इवन फर्स्ट भी आया, तो ये बेस्ट था। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जो एक्टिविटी हो रही है, आप इस तरह से देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा फूड मिल रहा है गढ़वाली यहाँ पे, बहुत अच्छा फूड है। और ये स्टेज है आप, ये गढ़वाली पूरी करके बहुत अच्छा है, ठीक है, आप इस सब का एंजॉय लीजिए, आप आइए और देखिए यहाँ पे कितना अच्छा एक्टिविटी हो रहा है। धन्यवाद। कैसा लगा आपको गढ़वाली? बोलना गढ़वाली में पूछना, गढ़वाली में बोल। धन्यवाद आपका। ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल पर बने रहना। अगर आपको अगर कुछ पूछना है तो नीचे से टेलीग्राम लाइक कमेंट एंड शेयर। अगर आपको कुछ चीज पूछनी है कॉलेज से रिलेटेड तो Subscribe! आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे से आएगा, आप मुझे वहाँ पर डीएम कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है, अब आपको मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में।